अरे शेर सिंह जी, आपका बात कभी टाला है हमने? लेकिन आज का काम थोड़ा टेढ़ा है, ठीक से होना चाहिए। यस सर। अभय और जफर दाड़ी, आप चिंता मत कीजिए सर, तिवारी तो उससे नहीं मिल पाएगा। तिवारी, तुमने जफर दाड़ी को अरेस्ट किया है? हाँ, कल रात को ही किया सर। आप चाय पीजिए, मुझे पूछताछ करनी है। पूछताछ हमने कर लिया है सर। साला बियर बार में दारू पी के बोमा बोम कर रहा था, सेक्शन 75 में बुक करके पक्का केस बनाया हूँ सर। चाय पीजिए ना सर। तिवारी, वो कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, उसके लिंक्स टेररिस्ट के साथ हैं। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है सर। ए चमक छल्लो, इधर आ। बता सर को, कल रात को वो तेरे को ही छेड़ रहा था ना? हाँ सर, मैंने ही FIR लिखाया। देखा सर, जा उधर बैठ। तिवारी, तुम जानबूझ के उसको बचाने के लिए? मुझे उससे पूछताछ करनी है और मेरे पास वक्त बहुत कम है। पूछताछ तो मैं उससे नहीं करने दूंगा सर। चाय पी लीजिए। तिवारी, ओपन द लॉकअप। देखिए सर, आप तो तिवारी! सर चाय सर। चाय पियोगे? बता दो, बता दो, मुझे मारना नहीं, मुझे मारना नहीं। सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के फंक्शन में ठीक 5 बजे एमरो की 8 नंबर की सीट पर लाल कोट पहना हुआ अब निकली करेगा। किसकी? किसकी? कमिश्नर साहब। शुक्रिया आप सबका कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर इतना सम्मान दिया। आप सब लॉ स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर है कि आप सब वकील बनना चाहेंगे, तो एक वकीलों के फंक्शन में एक पुलिस वाले का चीफ गेस्ट बनना बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि सभी जानते हैं कि पुलिस वालों और वकीलों में 36 का आंकड़ा होता है। हम पुलिस वाले अपनी जान को जोखिम में डालकर एक मुजरिम को पकड़ते हैं और एक वकील एक कागज का टुकड़ा दिखाकर उसे छुड़ा ले जाता। सच मानिए, उस समय बहुत गुस्सा आता है और जी चाहता है कि सब वकीलों को पकड़कर जेल में डाल दूं। खैर खैर, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि वकीलों और पुलिस वालों का रिश्ता इंप्रूव किया जा सकता है। अगर क्राइम को कंट्रोल करना है तो हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, और जिस दिन ऐसा हो गया इस देश का क्राइम रेट। अरे एसीपी अभय आए हैं यहाँ पे? हाँ अभय भी आए हैं। क्यों, क्या हुआ? सर बाहर अभय पुलिस वालों से लड़ रहा है। अभय सर, वो आपको मारने आया था। शट अप। बोलो तिवारी। सर, हमने साहब को बताया था सर कि हमने पूछताछ कर लिया है, लेकिन फिर भी साहब ने हमको बहुत मारा सर। देख लीजिए सर, हम अपने सीनियर्स की बहुत इज्जत करते हैं सर, हमने इनको पलट कर जवाब तक नहीं दिया सर। ये हमें मारते रहे और हम इन्हें चाय ऑफर करते रहे सर कि सर चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए। सर, सर मैंने भी इनसे माफी मांगा था। मैंने साहब को बोला कि आज के बाद मैं कभी भी बियर बार में नहीं जाऊंगा, जिंदगी भर नहीं जाऊंगा। यहाँ तक बोला कि दारू पीना भी छोड़ दूंगा, फिर भी साहब जब हमें मारते रहे, कुछ सुनने को राजी ही नहीं थे। इनके सर पे तो खून सा भर बैठा, ये मुझे मारते सर। किसी ने बता दिया कि कॉलेज में आप पर शट अप।
एसीपी अभय प्रताप सिंह, इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर और एक पुलिस ऑफिसर को बिना वजह मारने के आरोप में तुम्हें 15 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी और जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तुम रोज यहां शाम को आकर अपने पूरे दिन की एक्टिविटी की रिपोर्ट लिखोगे और डेट और टाइम के साथ साइन करोगे। बचपन में इसी अभय की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर आप आंख बंद करके साइन करते थे। मैं कहा करती थी कि एक बार देख तो लिया करो अभय ठीक कर रहा है कि नहीं, लेकिन आप कहते थे नहीं, मेरा अभय गलत कर ही नहीं सकता, है ना? और आज आपका वही बेटा आपको गलत लगने लगा है कि उसको मुजरिमों की तरह अपने ऑफिस में बुलाकर उसे साइन करने को कह रहे हो? आखिर क्यों? रहने दो माँ, इनसे अब कोई सवाल करना बेकार है। जिन्हें अपने बेटे पे यकीन था वो बाप बहुत पीछे छूट गया माँ, इन्हें हर बात में सबूत चाहिए क्योंकि अब ये सिर्फ एक पुलिस कमिश्नर है, एक ऐसे कमिश्नर जिन्होंने अपनी आंखों पर कानून की पट्टी बांध ली है और वो देख नहीं पा रहे कि जाने अनजाने में वो क्रिमिनल्स की हेल्प कर रहे हैं। अभय, सॉरी सर, अभी आप इस बात को नहीं समझ रहे, लेकिन एक दिन मैं साबित कर दूंगा कि मैं सही था। तुम तब तक आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूंगा। सुषमा, अपने बेटे को समझाओ, अगर वो इसी तरह जिद करता रहा और कानून को अपने हाथों में लेता रहा तो यकीन जान लो हम अपना बेटा खो देंगे, खो देंगे हम इसे। हेलो साहब, मैं मुन्ना। जो आदमी कमिश्नर साहब को उड़ाने को गया था वो अभी टोपास बार में आने वाला है, आपको उससे सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलेगा। और हाँ, संभल कर, मैं रखता हूँ। साहब मैंने आपका काम कर दिया। साहब आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही बोल दिया। अब मैं जाऊँ? साहब काम किया है तो इनाम तो लेते जाओ। जॉन सर जी, वो यहाँ पहुंच गया और उसने मुझे देख भी लिया है, अब क्या करना है? होशियार। ठीक है। कहाँ हो जॉन? मैं कैसीनो के पीछे।
सरजी वो आ रहा है सरजी। बोलिए मैं क्या करूं? भागो। सरजी वो मुझे पकड़ लेगा सरजी। बोलिए मैं क्या करूं? भागते रहो। सरजी वो मेरे पीछे आ रहा, बताइए क्या करूं? Take a left turn. अच्छा। सरजी, वो अभी भी मेरे पीछे है। सरजी बोलिए मैं क्या करूं? Take a right turn. Okay sir. हट जाओ, हट जाओ। सरजी, बोलिए मैं क्या करूं सरजी? भागते रहो। सरजी अभी भी वो पीछे है। सरजी, सरजी बताइए मैं क्या करूं सरजी? भागते रहो। I said stop. सरजी वो मार देगा मुझे। I said stop वरना गोली मार दूंगा। अपने घर निकली मैं क्या करूं सरजी? बोलिए। वो तुम्हें लोगों के सामने नहीं मारेगा। I said stop. सरजी मार देगा मुझे। नहीं मारेगा। सरजी मार देगा। बैठो। I said stop. सरजी, महेंद्र सिंह राणा, जेल की सलाखों के पीछे अच्छे नहीं लगते हो, लेकिन क्या किया जाए, तुम्हारा बाप कुछ भी समझने को तैयार नहीं, नहीं समझता कि जमाना बदल गया है, आजकल बड़े लोग ही बुरे होते हैं, अमीर लोग ही बिकते हैं, चाहे क्रिकेटर हो या पॉलिटिशियन, हीरे का व्यापारी या मुझ जैसा बिजनेसमैन, सब क्रिमिनल्स हैं। तुमने सही समझा, लेकिन समझना और समझाना अलग अलग चीजें हैं। तुमने मुझे समझा, लेकिन तुम अपने बाप को नहीं समझा सके। तुम्हारे और मेरे बीच जो खेल चल रहा था, उसमें तीन बार मैंने तुम्हें मात दी और तुम्हें लगता रहा कि तुम बाजी जीत रहे हो। जिसे तुमने रोड पर मारा, उसे मैंने वहां भेजा था। जिसे तुम लॉकअप में मारने गए थे, उसे मैंने वहां पहुंचवाया था। और जिसे तुमने जान से मार डाला, उसे भी मैंने सही वक्त पर बैठने को कहा था, ताकि तुम्हारी गोली उसके घुटने के बजाय उसके सीने से पार हो जाए। हाँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा राणा, नहीं छोड़ूंगा। I'll kill you. हालात बदल गए हैं, तेवर नहीं बदला। यह है फैसला ऑन द स्पॉट का नतीजा। शायद तुम भूल गए हो कि लोग जहां पर सोचना बंद कर देते हैं, राणा वहां से सोचना शुरू करता है।